वन आपको स्वागत है एएससी स्टार्टर में। फाइनली जो है ना क्लास 11 के नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं 24-25 के। इसकी मैं आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दिखा देता हूँ और फॉर्म को कैसे कंप्लीट भरना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्टिंग डेट जो है ना साइकिल वन की वो है 22 तारीख से 7 जून तक। आप साइकिल वन में जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर साइकिल टू आएगी, फिर साइकिल थर्ड आएगी और आपको जो साइकिल वन का रिजल्ट है वो आएगा 18 जून को, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 19 से 29 जून तक रहेगी। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म को कैसे भरना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा डायरेक्ट, फिर आप इस पर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है DOE की। आपको करना क्या है, साइट पे आके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाए 11th, ठीक है। और अगर नहीं आता तो एक बार ही रिफ्रेश कर लेना आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैं आपके कमेंट्स लेकर एक न्यू वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इस पेज पर आना है और सेकंड वाले बी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइंस जो मतलब डेट मैंने आपको दिखाई थी बोली, ठीक है। फिर अगर आपने जैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करा और अपनी डिटेल फिल करी, फिर आपका जो सर्वर डाउन हो गया, नेट चला गया, स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, तो आप यहाँ से दोबारा लॉगिन करके अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कर रहे तो सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करो, ठीक है। ये आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा, इसका आपको फिल करना है अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा और कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास फ़िलहाल तो अभी 11 के स्टार्ट है, तो आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स किस में आपको फॉर्म भरना है आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम है तो ऑलरेडी ये मना कर देगा, ठीक है। अगर आप साइंस लेने जाते हैं या कॉमर्स लेने जाते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं कॉमर्स तो सिंपल आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आराम से देखो पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पिछली क्लास आपने कहाँ से करी है, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है रिकगनाइज, ये तो आपको पता ही, प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, तो आपने कहाँ से जो है क्लास 10th पास करी है, रिकगनाइज अनएडेड स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, पत्थरचर विद्यालय, या अगर आप दिल्ली से बाहर से कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने कोई और सेशन से पास करी है, या NOS या ओपन स्कूल जो होते हैं उससे करी है, तो जो उनसे भी आपने करी है उसको आप क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम, आपका नाम क्या है, और आप नाम वही डालना जो आपके मार्कशीट जो आपके डॉक्यूमेंट में होंगे, ये नहीं आप कुछ भी लिख देंगे। तो जैसे आपका नाम है अजय, तो अजय लिख दो, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट, मिडल नेम यहाँ पे है और लास्ट नेम यहाँ पे है। मिडल नेम नहीं है तो आपको सिंपल लास्ट नेम डालना है, ठीक है। तो मिडल नेम अगर आपका है तो लिख दो, जैसे कुमार है, ठीक है। और लास्ट नेम है भल्ला, ठीक है, ये हो गया। और स्पेस मत देना, जैसे मैं स्पेस आ रहा ना यहाँ पे, देख रहा ना यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस मत देना इसको, स्पेस को थोड़ा बैक कर देना बस, ठीक है। अभी हो गया। अब उसके बाद आपको फादर नेम डालना है, ठीक है, पूरा लिख देना जो भी होगा नाम, ठीक है। अब उसके बाद मदर नेम, एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। ये देखो अजय हो गया, कुमार, भल्ला, पूरा नेम हो गया, आपको फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, ठीक है। पहले क्या डालनी है, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपकी डेट है 03, फिर आपको स्लैश लगाना है ऐसे, महीना छठा है तो 06, फिर स्लैश मारना, फिर 93 है, 2010 है, जो भी है,
वो आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिल करता हूँ, ठीक है, 06/ जैसे 12वां महीना है तो 12वां महीना ऐसे लिखेंगे, जीरो नहीं लगाने से, सिर्फ दो डिजिट का होना चाहिए, फिर स्लैश मारनी है, फिर 2009, ठीक है, ऐसे डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है मेल तो मेल, ठीक है। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, और जो सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसका मतलब प्रूफ भी दिखाना होगा, अगर जनरल कैटेगरी से है तो सिंपल जनरल, एससी है, एसटी है, जो भी है वो आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप एससी है तो एससी का आपके जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो पहले उस सोच समझ के फिल करना, जैसे जनरल हो सिंपल जनरल पे क्लिक कर देना, ठीक। उसके बाद दिव्यांग, ठीक है, इसमें वैसे है तो आप फिल करें, नहीं तो सिंपल आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, और एड्रेस वही फिल करना जो आपके डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, ये नहीं है आप रह कहीं और रहे हो, फिल कहीं और का कर रहे हो तो ऐसा नहीं, ठीक है, जहाँ पर रह रहे हो उसका फिल अप एड्रेस करो, जो आपके डॉक्यूमेंट में भी होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए फिल कर देते हो ना कुछ भी, तो जैसे मैंने तिले टैंग लिख दिया, आपको पूरा एड्रेस फिलना है, फिल करना है पिन कोड के साथ। उसके बाद आपको असेंबली, आपके पास की असेंबली विधान जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए तिले नगर सेलेक्ट करो, तिले नगर असेंबली सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डालना डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास टेंथ रिजल्ट, आपका जो क्लास टेंथ का रिजल्ट आया था ना कब आया था वो आपको डेट डालनी है पूरी। तो आप सभी को पता है कब आया था, 13/5 महीने में आया था, 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है यहाँ, ठीक है, तो फटाफट से फिल करते हैं, 13 फिर स्लैश लगाना है, फिर 05 लिखना है, फिर स्लैश मारना है, 2024 को आपका क्लास टेंथ का रिजल्ट आया था, ठीक है। अब उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी हमने जनरल, ठीक है, एक बारी आप चेक कर लेना पूरा पेज कि आपकी कोई मिसिंग तो नहीं है ना डिटेल। अब उसके बाद आपको शहर सेलेक्ट करना है, दिल्ली, पिन कोड भी यहाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई अल्टरनेटिव नंबर आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना जो इनकमिंग आउटगोइंग आती जाती हो, जो कि मैसेज आएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, भी आ गया इसमें, ठीक है। अब ये नंबर अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पर, एक दूसरा नंबर तो दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मेन है, आपको जहाँ पर रहते हैं आपको पास का स्कूल चाहिए, ठीक है। आप अपने पिन कोड जहाँ पर रह रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने जो आसपास के जो भी स्कूल है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे आप पिन कोड के हिसाब से। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए तिलक नगर का डाला, तो तिलक नगर में जितने भी स्कूल्स होंगे ना आसपास वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल। तो आप क्या करें, आपका जोन सा भी पास का स्कूल है ना यहाँ पे आप अप्लाई करो। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे सबसे पास में है तो इसको मैंने टिक मार दिया, ठीक है। सोच समझ के फिल करना, फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर मैंने गलत स्कूल फिल कर दिया, मैं चेंज कैसे करूँ, तो उसका भी सलूशन है, चेंज कर सकते हैं बाद में, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बोर्ड रोल नंबर, क्लास टेंथ का रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है, आपके पास होगा ना रोल नंबर, वो यहाँ पर फिल कर दो फटाफट से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको पास होगा मार्कशीट में से देख के भर लो, ठीक है, रोल नंबर जो मिला होगा ना उसमें देख के भर लो। अब उसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब इसके भी आगे बहुत है, ठीक है, तो एक बार अच्छे से चेक कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सारी जो है डिटेल आप जो फिल करिए ना सारी आ जाएंगी, तो उसको आप एक बारी दोबारा चेक कर लो सारी चीज़ें एक बार, ठीक है। एक बार चेक करने के बाद लास्ट में आपको इस पर क्लिक करना कि जो आपने डिटेल फिल करी एकदम चेक मैंने कर लिया और करेक्ट है, फिर आपके फ़ोन पे एक आएगा OTP।
पी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है, पहले चेक मार देना, फिर ओटीपी यहाँ पे डालना, फिर सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, ओटीपी आ गया है मेरे फ़ोन में, अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे करो फटाफट से। अब आपके पास ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया होगा, ठीक है। अब इसका ना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि आपके पास सेव रहेगा, ठीक है, फिर आप भूलेंगे नहीं, जहाँ आपका मिसिंग नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में रहेगा, आप जब मर्जी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी जो अभी मिली थी ना हमें, जो मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, वो डाल दिए हैं, पासवर्ड डाल दिया है, ये आप देख रहे हैं विजुअल कोड है, ये आपको सेम यहाँ पे डालना है, जो चीज़ कैपिटल में है ना, जी जैसे कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में ही लिखना होगा। वो आपको डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी हमने क्या करा है, हमने अभी रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है। अब हमें डिटेल फिल करनी है, ठीक है, आगे के लिए प्रोसीजर करेंगे फटाफट से। अब यहाँ पे देखेंगे नॉन प्लान आ गया है लिखा हुआ, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको। जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सारे ऑप्शन फिल करने हैं, लास्ट में प्रीवियस एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पे, ठीक है। हमें मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, तो आप फटाफट से, आपके पास मार्कशीट होगी ना, आपने डाउनलोड करी होगी जो आपको स्कूल से मिली होगी, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, डिटेल हमने फिल कर दी थी, ठीक है। अब हमें सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास, इस पे हमने आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो आपकी क्लास 10 थी ना, उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे और एडिशनल कौन कौन से थे, आपको फिल करना है यहाँ पे। आप अपने मार्कशीट अपने पास रखो, जो कौन से सब्जेक्ट को फिल कर दो फटाफट से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने मैथ फिल कर दिया, ये सारे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब आपके जो मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का पेपर था, वो आपको यहाँ पे डालना है, कितने आए हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं, तो ये भी फिल करते हैं फटाफट से। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए सारे फिल कर दिए, ठीक है। 100 में से आपके कितने टोटल में से कितने बन रहे हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ना आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप क्या लेना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो जोन से भी आप एलिजिबल होंगे तो ऑलरेडी कहते हैं, नहीं तो मना करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इन कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर देना, अगर नहीं करते तो सिंपल नो पे क्लिक कर देना। जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, मैंने आपको बताया था ना फॉर्म करते टाइम कि अगर आप हो तो आपको डॉक्यूमेंट भी फिल करना होगा, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं आप एलिजिबल हो या नहीं साइंस और कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो सिंपल आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो आप एसटी, एससी, ओबीसी है तो आप यस पे क्लिक कर देना। अब उसके बाद साइंस विद मैथ लेना चाहते हैं, साइंस विद विदाउट मैथ लेना चाहते हैं, कॉमर्स विद मैथ, विदाउट मैथ, कॉमर्स और आर्ट्स, आर्ट्स वालों के लिए कोई टेंशन नहीं, सिंपल क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आप जो है कॉमर्स लेना चाहते हैं विद मैथ, तो आपको इस पर क्लिक करना है, पर अभी क्लिक नहीं होगा क्योंकि इन्हें ऑलरेडी इस पर ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने आर्ट्स पे क्लिक करा, अभी चेंज नहीं हो रहा, अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, नहीं तो फिर आप सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं कि डेटा इन डीएबी कैन नॉट बी डिलीटेड आफ्टर सबमिटेड द डेटा इन नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने मतलब नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, फिर ये चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आ गया है, मैं आपको बता दूँ, लॉग आउट नहीं करना, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट कर देंगे तो आपको दोबारा आ जाएगा, फिर आप दोबारा फिल करेंगे डिटेल यहाँ। तो फटाफट से कर लेते हैं, अगर आपको कॉमर्स से कुछ और चाहिए होगा तो। अगर आप भी कोई गलती ऐसे कर दे तो आप दोबारा डिलीट करके दोबारा फिल कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी दोबारा डिटेल फिल करी है, अब नो पे क्लिक करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अगर आप ओबीसी एसटी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अब आप क्या लेना चाहते हो तो सोच समझ के ही क्लिक करना, फिर चेंज करेंगे फिर आपको टाइम वेस्ट खराब होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेनी है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, तीसरे ऑप्शन पे जाना है, ये वाले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीम कौन सी ली आपने, क्लास 11th कॉमर्स विथ मैथ। अगर आप एलिजिबल होंगे तभी ये शो करेगा, ठीक है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टेप 3 पे चलते हैं। अब स्टेप 3 पे हम आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कॉमर्स ले रहे हैं ना, तो आप तो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं 5 सब्जेक्ट विद मैथ। तो अभी मैं आपको बता दूँ, अभी ये साइट आज ही ओपन हुई है, तो इसलिए ना कुछ सब्जेक्ट इसमें शो ही नहीं हो रहे। मैंने आर्ट्स का भी ट्राई कर लिया, साइंस का भी ट्राई कर लिया, तो इसमें शो नहीं हुए। तो अगर आप 1 दिन या 2 दिन के बाद ट्राई करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे। जैसे शो होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप इसमें कुछ भी भरते हैं तो आप जो स्कूल में अप्लाई करेंगे, जोन से भी सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको अवेलेबल होंगे, तभी वो आपको मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। वेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं सब में, बट मेरे मानो तो आप 1 दिन का वेट कर लो, शाम तक या कल तक सारे अपडेट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ऐसी प्रोसीजर सेम है, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जोन से भी आप स्ट्रीम ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा फॉर्म आपको बता देता हूँ कैसे भरना है, ठीक है। आधा तो हो ही गया, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में आपको करना है, सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड मार्कशीट करनी है, ठीक है। मार्कशीट आपकी आपको मिल गई होगी, आपने डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। और जो आपने डिजी लॉकर या आपने फ़ोटो होगी ना आपको मार्कशीट की, वो आपको सिंपल अपलोड करनी है PDF फाइल में, ठीक है। तो आपको सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा आ जाएगा मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लास्ट प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जो आपने सेलेक्ट करा है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है आपको, चेक पे, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको पूरा सबमिट हो जाएगा, फिर आप अपना थोड़ा वेट कर लेना। अगर आपकी कोई गलती हुई होती है तो आप फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।